वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है? यस और नो? आवाज आ रही है? यस और नो? आ रही है यस सर, आ रही है ओके, सर। तो स्टार्टअप करते हैं। 9:55 आज के लिए टाइम स्लॉट है। 9:55 से लेके 11:15, ठीक है? वेट करिए, बाई साइड का सिग्नल आए, सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स की 80,500 की कॉल वॉच लिस्ट में रखिए और 79,000 की पुट अपने वॉच लिस्ट में रखिए। 9:55 के अराउंड बाई का सिग्नल जैसे ही अमी ब्रोकर में आए, आप पिक कर सकते हो 80,500 की कॉल। 80,500 की कॉल पिक कर सकते हो। ठीक, अच्छा सर, अमी ब्रोकर के सिग्नल का वेट करें। जैसे ही सिग्नल आता है बाई साइड में, बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ है, मार्केट गैप फिल करने के लिए जाएगा, मगर वेट करिए बाई सिग्नल का। जैसे ही सिग्नल आता है 80,500 की कॉल, बिना हिजक कर सकते हो, 20 पॉइंट का एसएल लगा दीजिए। विदाउट एसएल मत काम करिए, और जो भी प्रॉफिट हो या लॉस है कम से कम शेयर करिए, जिससे बाकी लोगों का हौसला भी बुलंद रहे। और ये 3 पुट अपने वॉच लिस्ट में रखिए, अदानी एंटरप्राइज 2,900 की पुट और एलटी की 3,600 की पुट और जीएनएफसी की 600 की पुट। तीनों तीन को वॉच लिस्ट में रखिए, ठीक है? एलटी की पुट को कैरी ऑन कर सकते हो आप, जो भी प्राइस मिले एटी की। अब वो एसएल रहेगा 66 का। ये जो भी स्टॉक से पर्टिकुलर आप पूरे अगस्त मंथ के लिए पुट बाय करके चल सकते हो, या आप देख सकते हो कि तीनों तीन या ब्लॉक्स में ऑलरेडी है, ठीक है? तो कहाँ ज्यादातर, अगर मार्केट नेगेटिविटी 10 अगस्त तक मार्केट ओवरऑल नेगेटिव दिखेगा आपको, तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी, एलटी या आईसीएसएल लोम्बार्ड एज वेल एज द जीएनएफसी एचएफसीएल में सभी में गिरावट देखने को मिल सकती है, ठीक है? तो उस हिसाब से अपने इक्विटी ऑप्शन में भी मैं ट्रेड कर सकते हो। ठीक ठीक है, तीनों तीन अपने वॉच लिस्ट में लगी है। अदानी एंटरप्राइज 2,900 की पुट, एलटी की 3,600 की पुट, जीएनएफसी की पुट, तीनों तीन वॉच लिस्ट में रखिए। और या ब्लॉक्स में भी ऑलरेडी, या लेटेस्ट ब्लॉक्स है तो ब्लॉक्स में हमारी वेबसाइट पे जाके देख सकती हो। तो अगर मार्केट 10 अगस्त तक करेक्ट हो रहा है, और अगस्त मंथ में ज़्यादातर नेगेटिविटी लास्ट 10 डेज और अगस्त के फर्स्ट 10 डेज में आपको एक निगेटिविटी देखने को मिलेगी मार्केट में ओवरऑल, तो कौन से स्टॉक्स में ज़्यादा गिरावट है? तो एलटी, आईसीएसएल, लोमोड, जीएनएफसी, एचएफसीएल और जेएसडब्ल्यू एनर्जी, सभी में आप सेल ऑन राइज कर सकते हो, और इक्विटी ऑप्शन में उसके हिसाब से ट्रेड को मैनेज कर सकते हो। अच्छा सर, इसमें एंट्री कब करनी है अभी? सिग्नल आए तब बाइक ओके का सर। सिग्नल आए, जैसे आप पिक कर सर, सकते। आपने ये सेंसेक्स का तो चार्ट नहीं लगा हुआ ना सर? ऑलमोस्ट पैरेलली चलता है मैम। अच्छा ठीक।
हम टाइम जोन के हिसाब से बहुत अर्ली नहीं ले लेते, इतने बार ऐसा लग जाता है सर। वैसा है तो टाइम है, टाइम 9:55 का टाइम जोन है अगर, तो आप 9:50 को भी एंटर हो सकते हैं, वैसा जरूरी नहीं है। मगर कई बार क्या होता है कि थोड़ा मार्केट पहले भी रिएक्शन देता है। जी सर। AT5 के वो बाई कर सकते हो, सेंसेक्स की 85,000, 80,500 की कॉल। पिक करिए, पिक करिए, पिक करिए, पिक करिए, पिक करिए। 109 का लेवल टूट रहा है, 109 का लेवल टूट रहा है, टूट रहा है। या एग्जीक्यूशन, हर ट्रेडर की अपनी अपनी कहानी होती है। अच्छा 109 के वो सस्टेन होता है तो ऊपर में मैदान खुला है, 170 तक जाएंगे। अगर मार्केट पिक कर रहा है ज्यादा तो ऐसे ट्रेल करके चलिए, पोजीशन बनाई है तो 170 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। नौ बज के 55 मिनट के अराउंड अपनी लॉट साइज भी बढ़ा सकते हो। 9:55 से लेके करीबन 11 बजे तक एक क्लियरली बायोन डिप से।
जो भी नए लोग जुड़े उनके लिए बता दो 80,500 ही कॉल में 85 के वो पोजीशन बना सकते हो, 65 का SL, 9:55 से लेके 10:30 का टाइम जोन है, 11 बजे तक का टाइम जोन है जहाँ आपको क्लियरली बाय एंड डिप्स करनी है, ठीक है। 80,500 की कॉल में पोजीशन बना सकते हो, 85 के अबो 65 का SL रहेगा। हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, वो 127। अगर 127 के अबो सस्टेन होता है तो 170 के टारगेट के लिए जाएंगे, 9:55 के अराउंड आपको एक जर्क भी देखने को मिल सकता है। और 3 पुट अपने वॉच लिस्ट में रखिए, अगस्त मंथ की अदानी एंटरप्राइज 2900 की पुट, LT की पुट और GNFC की पुट। ये आप देख सकते हो ब्लॉक्स यहाँ ऑलरेडी हमने लॉन्च किया हुआ है। अगर मार्केट में गिरावट दिखती है 10 अगस्त तक मार्केट में, एज पर एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से 10 अगस्त तक मार्केट में गिरावट हो सकती है, ठीक है। तो ये पुट को आप बाई करके चल सकते हो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, सुपर ट्रेंड जब भी आए तब।
फर्स्ट टारगेट हिट, फर्स्ट टारगेट हिट, फर्स्ट टारगेट हिट, यहाँ देख सकते हो फर्स्ट टारगेट हिट 85 से लेके 140 की जर्नी देखने को मिली। या इट्स अमेजिंग, जो हमारा एक्सपेक्टेशन है कि नो कुछ के 55 मिनट के अराउंड भी एक स्पाइक देखने को मिलेगी, और 170 का जो सेकंड टारगेट है वहाँ तक मार्केट जाने के चांसेस है। जिसने भी प्रॉफिट बुक किया प्रॉफिट शेयर कर सकते हो, या अगर खाली ऑब्जर्व कर रहे हो और अगर अंदर से जो आवाज़ आती है वाओ, तो भी कुछ कमेंट में कमेंट कर सकते हो। 85 से 140 की जर्नी देखने को मिली। थैंक यू सर। या वेलकम, राधे राधे। हेलो हेलो, हाय सर। अगर फिर से वही 125 का वो सस्टेन होता है तो 170 के टारगेट के लिए जाएंगे, क्योंकि 9:55 से लेके 9:55 से लेके 11 बजे का टाइम जोन है क्लियरली बाई साइड में। पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। 85 to 149 तक की जर्नी देखने को मिली। अगर 170 अब के ऊपर भी अगर सस्टेन होता है मार्केट, तो 247 के टारगेट के लिए जाएंगे। थर्ड टारगेट रहेगा हमारा 11 बजे से पहले।
सर वापस री एंट्री ले सकते हैं सर अभी? नहीं, री एंट्री मत कीजिए।
ये आप देख सकते हो एक बढ़िया मोमेंटम, जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उसके हिसाब से 9:55 के अराउंड ये आप देख सकते हो क्या मोमेंटम देखी हुए। इट्स अमेजिंग 2XROI। या एग्जैक्ट 9:55 के अराउंड आपको एक स्पाइक्स देखने को मिल रही है, करीबन 85 से लेके 250 की जर्नी देखने को मिली, 85 से 250 की जर्नी देखने को मिली। इट्स अमेजिंग। जिसने भी पर्टिकुलर स्पाइक्स को देखा है, प्रिडिक्शन को देखा है, तो कॉम्प्लीमेंटरी कमेंट कर सकते हो। बढ़िया मोमेंटम। सर बहुत सॉलिड प्रिडिक्शन था सर। इसके पीछे का रीजन क्या है? 9:55, ठीक है, तो इसके पीछे का रीजन भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है पर्टिकुलर फाइनेंशियल ऑफ एस्ट्रोलॉजी की पावर। ठीक है, या आप देख सकते हो 2711 इज अ पॉजिटिव सिनेरियो। 711 की जो पावर होती है, जैसे 12th या लैप्स हो रहा, मून की जो स्ट्रेंथ है 56 में से करीबन आप देख सकते हो 56 में से 66 और 71 हो गए, और ये जर्क आपको देखने को मिला। ठीक है, यही पावर है, पावर ऑफ मून के भी साइकिल की। ठीक है, तो इसके पीछे का रीजन ही यही है, हमने प्रिडिक्ट करके रखा हुआ था कि एक बड़ी स्पाइक्स आपको देखने को मिल सकती है, और वाकई दा यहाँ आप 85 से लेके 250 तक की, या 287, या इट्स 3XRO, 3XRO। या आप देख सकते हो क्या बढ़िया जर्नी देखने को मिली, या 300, 85 से लेके 300 तक की जर्नी देखने को मिली। ठीक है, तो यही पावर। जिसने भी प्रॉफिट बुक किया हो, प्रॉफिट शेयर कर सकते हो। थैंक्स, राधे राधे मनीष जी। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम स्लॉट है, नेक्स्ट टाइम स्लॉट कौन सा है? तो 12:05 है। ठीक है, तो मोमेंटम टाइम में एंटर होने से क्या बेनिफिट्स होता है आप जानते हो, सोच रहे हो? और 12:05 से डाउन पेमेंट, डाउन में एंट्री कर, वो आएंगे, हम लाइव आएंगे 12 बजे, बी पंचुअल एट द टाइम ऑफ 12 PM। ओके सर, ओके। ठीक है, थैंक्स अ लॉट।